सुंदरता और मनोहरता में बहुत अंतर है। सुंदरता जो है ना वो शरीर और चेहरे की सुडोलता के ऊपर आश्रित है, यानी अंग्रेजी में इसको प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइल आपकी कैसी है, तो आप बिल्कुल आपका चेहरे का आधा भाग करो तो जितना एक साइड में है उतना ही उसी में होना चाहिए। एक आंख काणी और दूसरी, तो फिर वो सुंदरता नहीं होती महाराज इसमें। एक निण में ज्यादा बाल हो एक में कम हो तो भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा बाल इधर है इधर नहीं है, अब देखो भाई रोज चेहरे तो दर्पण में तो देखते ही है ना, तो मेरा इधर यहाँ ऐसा, तो मैं भी विचार कि भाई यहाँ बराबर है यहाँ जो भाई इधर कैसे। तो फिर माँ की मेरे पास दो तीन तस्वीर है, ऐसे नहीं नहीं है, तो माँ की, माँ का चेहरा जो है ना उनका नैन उसी प्रकार का है। तो दाहिना जो है बिल्कुल सीधे बाल ऐसे जाते हैं और बाइने में जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, तो जैसे उनके नैन वैसे ही है। तो ये संपूर्ण सुदृढ़ता नहीं है, तो वो सुंदर की कैटेगरी में नहीं आता, सुंदर की नहीं है। जैसे जैसे ये हमारे ये साज जो बजाते हैं ना, तो कोई कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, बराबर ना, तो इसको संगीतज्ञ नहीं कहा जाता है, क्योंकि संगीतज्ञ का तीन रूप है, गायन, वाजन और नृत्य। तो हो भी सकता है कि इसमें कोई गा भी सकता है और बजा भी सकता है, लेकिन वो नृत्य नहीं कर सकता, तो वो संगीतज्ञ नहीं कहा जाता है। तीनों रूप उसके होना चाहिए। तो सुंदरता सुदृढ़ता के ऊपर भले ही न हो, लेकिन आपका चेहरा मनोहर हो सकता है। मनोहरता चेहरे की सुडोलता के ऊपर नहीं, प्रोफाइल के ऊपर नहीं है, वो आपके आचरण के ऊपर है। आपने व्यवहार कैसे किया, किस प्रकार से करते, इसी से और मनोहर वही जो आपका मन जो है हर ले, सामने वाले की आंख बंद करे और आपका चेहरा उसके सामने आ जाए तो आपका चेहरा मनोहर है, सुंदर। बहुत से लोगों का चेहरा सुंदर नहीं होता, लेकिन वो मनोहर होते, क्योंकि उनका आचरण बहुत। भगवान तो सुंदर भी हैं और मनोहर भी है,